Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. तो गाइस अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दी डीडी फ्री डिश के, आप लोग पेड चैनल किस तरीके से चला सकते हैं अपने डीडी फ्री डिश में, ठीक है। सो गाइस उसमें सबसे ज्यादा मेरे को कुछ वीडियोस में कमेंट देखने को मिले थे, जो मैं वो सारे कमेंट पढ़ रहा था, तो सबसे ज्यादा कमेंट जो थे वहाँ पे आ रहे थे कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो यार मैंने उन सभी वीडियोस में इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि अगर आप लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते तो आप लोग पेड चैनल को नहीं चला पाएंगे। तो यार अब मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों के पेड चैनल किस तरीके से प्रॉपर वर्क होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और अगर आप लोग नए आए हमारे इस चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोग उस कमेंट को मतलब कमेंट कर दिए। हो सकता है मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं क्योंकि आजकल काफी ज्यादा कमेंट आ रहे, तो आप लोग एक काम करिएगा, जो भी प्रॉब्लम आती है उसकी एक फोटो क्लिक करिएगा। फोटो क्लिक करने के बाद मेरी मेल आईडी है, वहां पे आप लोग उस फोटो को सेंड कर दीजिएगा और नीचे आप लोग प्रॉब्लम बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को अगली वीडियो में जरूर लूंगा, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में मैं बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से अपडेट होंगे। अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली डीडी फ्री डिश के बारे में जो भी कुछ नया अपडेट आता है मैं बताता रहता हूं, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए अपना मेन मेन्यू आ जाना है, ठीक है। मेन मेन्यू में आने के बाद आपको सिस्टम सेटअप पर आना है। तो गाइस मेरे सॉफ्टवेयर पता नहीं क्यों सही से वर्क नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने डीडी फ्री डिश अभी नया खरीदा है तो ये सही से वर्क नहीं कर रहा है अभी। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, अगर आप लोगों ने डीडी फ्री डिश नया खरीदा तो भी आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने की आवश्यकता है। सो गाइज मैंने अभी परचेस करा है, जो पुराना वाला मेरा सेपटॉप बॉक्स था वो खराब हो गया है, ठीक है, तो मैंने न्यू परचेस करा है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे आ चुका हूँ। इसका जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि अधिकतर लोग यहाँ पे बता क्या रहे हैं कि उनका टीवी रिबूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है, आप लोग P2P सेलेक्ट करते होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप P2P सेलेक्ट करके स्टार्ट करते होंगे। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने P2P सेलेक्ट करके स्टार्ट करा तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, यहाँ पे या तो एरर शो हो जाता है या फिर कनेक्शन टाइम आउट या फिर दोबारा से ट्राई करने को बोल देता है। तो गाइस आप लोगों को बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को जाना है बैक, बैक जाने के बाद आपको वहाँ पे जहाँ P2P सेलेक्ट हो रखा था वहाँ पे आपको P2M सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले बैक जाते हैं हम लोग, बैक जाने के बाद यहाँ पे P2P की जगह P2M सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग P2M सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद जैसे यहाँ पे जो ऑल का बटन है वो देख सकते हैं वहाँ पे डिसेबल हो चुका है। आप लोग इन चीज़ों को भी नोटिस करिएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। बाजू में बेल आइकन है उसको भी इनेबल कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट होने स्टार्ट हो चुके, तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ 1 से 1.5 घंटे भी लग सकते हैं कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट होने में, तो अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं वीडियो को बीच में पॉज कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज अगर आप लोग पहली बार भटकते हो हमारे चैनल पर आए तो बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी इनेबल कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूँ तो यूट्यूब क्या करेगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले भेज देगा। तो बी दी फर्स्ट वन, प्रेस दी बेल आइकन एंड बी दी फर्स्ट वन। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मैं वीडियो पॉज कर दूंगा बीच में, ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, पता नहीं है कब तक रिबूट हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा अगर ज़्यादा टाइम लगता है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा या कोई साइड इफेक्ट, तो मैं बता देता हूँ कोई भी इससे आपकी टीवी में कोई डैमेज नहीं आएगा, मतलब कोई चैनल खराब नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टीवी है रिबूट होने वो हो चुका है, और लगभग मेरे को इस काम को करने में लगभग 25 मिनट लग गया है, ठीक है। तो 25 मिनट से मेरा लैपटॉप बॉक्स सॉफ्टवेयर मोड पर था, और 25 मिनट बाद ये है जो सॉफ्टवेयर है रिबूट हुआ है। तो आप लोगों को बता दूं, तो मेरे को 25 मिनट लग गया, आपको मैं बता नहीं सकता कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि ये मेरा न्यू लैपटॉप बॉक्स है, ठीक है। जो मेरा पुराना वाला था, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी है तो उसमें मुझे 2 से 3 मिनट लगते थे ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे भी पहले हो जाता था, लेकिन ये नया है लैपटॉप बॉक्स तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है। अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को देख रहे तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को वीडियो बेकार लगे तो डिसलाइक कर लीजिएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी और भी ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। सो मिलते हैं एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।